खजरी खीरिया ब्लास्ट के बाद एक्शन मोड में दिखा शासन प्रशासन। एसडीएम अभिषेक सिंह व सीएसपी की टीम ने 18 स्क्रैप गोदाम की जांच की है, जिसमें पनागर एवं आधारताल स्थित स्क्रैप गोदाम शामिल है। एक गोदाम में ज्वलनशील सामग्री होने पर एफआईआर दर्ज कराई है, अन्य पर भी कोई ज्वलनशील सामग्री नहीं मिली। एसडीएम ने कहा है कि सभी गोदाम में फायर सेफ्टी के उपायों का अभाव मेला, जिन पर नियम अनुसार कार्रवाई होगी। सर, जानकारी मिली है कि कल कुछ कबाड़ के दुकानों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है, क्या कैसा है पूरा मामला? कल प्रशासन की और पुलिस टीम ने, जिसमें मैं भी था और सीएसपी साहब भी थे, पनागर और आधारताल क्षेत्र के लगभग 18 जो कि स्क्रैप गोडाउन है, उनमें हम लोगों ने औचक निरीक्षण किया। जहाँ जहाँ फायर सेफ्टी के नॉर्म्स नहीं थे, उन्हें अवगत कराएगी, फायर सेफ्टी कंप्लीट किया जाए। और एक जो गोडाउन था, उसमें अवैध रूप से डीजल रखा हुआ था, जो कि सीधा सीधा उल्लंघन था नियमों का, संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। सर, लगभग ऐसे कितने गोदाम मिले थे जिसमें अनियमितताएं पाई गई थी? एक गोडाउन पर हमने एफआईआर करवाई है, और जितने लगभग 17 गोडाउन है, उनमें फायर सेफ्टी के नाम का पालन पूरी तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो इनको भी नियमित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर, ये ब्लास्ट के कारण कार्रवाई हुई है कि आगे भी ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी? जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि हमारे शासन में लगातार कहीं ना कहीं औचक निरीक्षण किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसी जो भी असुरक्षात्मक चीज़ें हैं, उन पर नज़र रखी जा रही है और जांच की जा रही है।